बात बच्चों बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 चींटी ने सिखाया गुड़ ये कहानी समझाऊंगी। कहानी इस प्रकार है, एक गांव था छोटा सा, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम था बंसी। बूढ़ा हो गया था बंसी बहुत, उसका एक बेटा था जिसका नाम था हरिया। एक दिन बूढ़ा ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए तुम खेतीबाड़ी संभालो। लेकिन हरिया ने कहा कि बापू मुझे काम करना कौन सिखाएगा। बंसी ने उसे समझाते हुए बोला कि बेटे मन लगाकर हिम्मत से काम करोगे तो सब सीख जाओगे, परिश्रम और लगन से काम करना चाहिए। उसने देखा कि एक चींटी है जो कि बड़ी ही मेहनत से काम कर रही है, तो उसने चींटी को अपना गुरु बना लिया और उसने कहा कि चींटी रानी तुम मुझे काम करना सिखा देना। लेकिन चींटी कुछ नहीं बोली। उसके बाद क्या हुआ ना, हरिया समझ गया और उसने सोचा कि उसे मेहनत करना चाहिए। उसने खेतों में गेहूं बुना, सिंचाई की, फसल हुई लेकिन उतनी अच्छी उपज नहीं हुई। हरिया निराश हो गया। तभी उसने देखा कि दीवार पर एक चींटी चढ़ रही है और एक गेहूं के दाने को ढकेल ढकेल कर ऊपर ले जा रही है। फिर देखा कि वो गेहूं का दाना नीचे गिर रहा है, फिर वो उसे मेहनत करके ऊपर चढ़ा रही है। यह देखकर हरिया समझ गया कि केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ हिम्मत और प्रयास करना भी बहुत जरूरी है। इस बार उसने फिर से खेत में गेहूं बोया, निराई गुड़ाई की और फसल में पानी दिया। इस बार गेहूं की उपज बहुत अच्छी हुई। गांव वाले ने हरिया की खूब प्रशंसा की, उसे बधाई दी। हरिया ने खुश होकर सबसे कहा कि यह तो चींटी रानी की कृपा का फल है, यानी उसने चींटी से ये गुण सीखे कि मेहनत और परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है और इसे बार बार प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो डालमिया विद्या मंदिर के जो हमारे बुनियादी मूल्य हैं, हम इस कहानी को उसके साथ जोड़कर बोलेंगे कि हमारे विकास की मानसिकता होनी चाहिए। हमेशा हमें सीखना है, जब हम मेहनत करेंगे कुछ सीखेंगे, बार बार प्रयास करेंगे तब आप अवश्य ही सफल होंगे। बच्चों, अभी आप छोटे हैं, अभी आप जिस उम्र में हैं, अगर आप बार बार किसी चीज़ को सीखेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और उसमें मेहनत के साथ उस कार्य को करेंगे तो आप अवश्य ही सफल होंगे। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप भी इसका पठन अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।